नमस्कार लाइव फोर इन कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है जहां पर हम समय समय पर आपको अलग अलग बीमारियों के कारण लक्षण और उपचार के बारे में बताते हैं और जागरूक करते हैं दर्शकों जागरूक रहना बहुत आवश्यक है इसीलिए हर क्षेत्र में हम जागरूकता कार्यक्रम और अभियान को देखते हैं और यही जागरूकता स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत जरूरी है इसीलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इसी के तहत आज का हमारा विषय है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट आज के कार्यक्रम में हम ये क्यों मनाया जाता है ये फोर्टनाइट और साथ ही डायरिया के कारण लक्षण और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम हमारा लाइव शो है विषय से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं डायरा के संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसी समय हमसे जुड़ सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं फोन नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कार्यक्रम में हम आपकी विशेषज्ञ से मुलाकात कराएं इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा जो कार्यक्रम है लाइव कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है एट डी डी के अंडर स्कोर हमारा फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट और दर्शकों अब समय है कार्यक्रम में आज के हमारे एक्सपर्ट से आपको परिचित कराने का इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पोडटिक डॉक्टर शमाता मैम आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्ट तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये है क्या इसे मनाने का उद्देश्य क्या है असल में हमारे भारतवर्ष में अभी भी गरीबों का संख्या बहुत ज़्यादा है बहुत सारे लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में है सिर्फ गरीबी के बारे में नहीं बात करेंगे इवन जो हमारा मिडिल क्लास और अपर क्लास लोग हैं वहाँ पे भी बच्चों को प्रॉपर फीडिंग नहीं मिलने की वजह से पाँच साल के नीचे वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दस की बीमारियाँ होती हैं एंड अभी भी मतलब तो आश्चर्यजनक बात है कि अभी भी इतना कुछ डायरिया के लिए किए जाने के बावजूद बहुत सारे बच्चों का अभी भी डायरिया की वजह से डेथ होता है मृत्यु हो जाती है अप टू अराउंड ट्वेंटी थ्री पर हंड्रेड अफेक्टेड चिल्ड्रन अभी भी डायरिया की वजह से मरते हैं जी। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि ताकि उनके बीच स्पेशली जो अभिभावक हैं जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में कुछ जागरूकता बने ताकि वो लोग छोटा मोटा डायरिया का लक्षण पहचान के जड़ से उसको मिटाने में हमारी मदद करे इसके लिए ये तो जागरूकता सारा पूरा साल ही हम लोग करते आ रहे हैं लेकिन ये जो दो हफ्ते हैं वी आर डेडिकेटिंग टू डायरिया हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं जो आशा कर्मी हैं वो सब स्पेसिफिकली डायरिया के तरफ केंद्रित करके सबको सिखाएंगे सबको बताएंगे कि कैसे डायरिया रोध करना है कैसे ये ये करे ताकि डायरिया ना हो क्या करना चाहिए इन सब के बारे में सबको ज्ञान देंगे तो इसीलिए ये दो हफ्ता हम लोगों ने इस इस उत्सव को कि हम लोग डायरिया बंद करेंगे ये उत्सव मनाने के लिए दो हफ्ता डेडिकेट किया है इसीलिए इसको इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्ट बताया जा रहा है गोल क्या है, जो फोर्टनेट जो जाता है? इसका गोल है कि चाइल्डहुड डायरिया मतलब बचपन में जो पांच साल के नीचे बच्चों को जो डायरिया हो रहा है इसको जीरो डेथ तक लाना है ताकि एक भी बच्चे का डायरिया की वजह से मृत्यु ना हो जी तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी जी. तक जैसे 23 पर 100 पॉपुलेशन है तो तेईस ऐसे लग रहा है कि सौ में से सिर्फ तेईस का ही तो मृत्यु हो रहा है लेकिन अगर हम ये लार्जर पिक्चर में देखने जाए बड़ा पॉपुलेशन में देखने जाए तो अभी भी लाइक बहुत बच्चों का सिर्फ डायरिया के लिए डेथ हो रहा है ये सोचने से भी दिल घबराता है कि डायरिया तो हम लोग मामूली बीमारी मानते हैं अरे हो गया दस्त हो गया दो तीन दिन लूज मोशन हुआ अगले दिन बच्चा ठीक हो गया लेकिन इसके लिए मौत भी हो सकता है ये सोचने से हम लोग का जी उठता है कि नहीं तो हमारा टारगेट ये है कि डायरिया के लिए जीरो डेथ हो एक भी बच्चे की जान डायरिया की वजह से ना जाए अच्छा तो डॉक्टर शमिता, आईडीसीएफ के अंतर्गत हर साल कुछ ना कुछ आप लोगों का एजेंडा या टारगेट होता होगा तो ये साल आप लोगों का क्या टारगेट रहा है ये साल हम लोग का टारगेट ये रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर है आशा वर्कर हैं हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं डॉक्टर है नर्स है सब घर घर में जाके सबको ओ डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको जिंक डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको जाके ये बताना है कि डायरिया के लक्षण क्या होते हैं कैसे ओ और जिंक के थ्रू ही हम जिंदगी बचा सकते हैं स्पेशली uh, गरीब गरीब इंसान जो होते हैं जो मतलब सोचिए कुछ कुछ ऐसे पॉपुलेशन हैं जिनके पास पहुंच पाना भी मुश्किल होता है जैसे बंजारे लोग जो होते हैं जो जी, टेंट जी, में रहते हैं हाँ जी। जो स्लम्स में रहते हैं मतलब रेल पट्टी के बगल में रहते हैं या फिर छोटा मोटा जगह मिल जाता है वहां पे किसी तरह रह लेते हैं या फिर एक सोचिए एक अनाथ आश्रम है वहाँ का पॉपुलेशन या फिर ऐसे करके बहुत सारा पॉपुलेशन है रस्ते में रहने स्ट्रीट चाइल्ड चिल्ड्रन होते हैं इनके पास पहुँच पाना ही हेल्थ वर्कर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जी. तो वो पॉपुलेशन को टारगेट करके हम लोग इस बार आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनमें एक्चुअली क्योंकि उनका हाइजीन लेवल बहुत कम होता है तो उनका डायरिया में डेथ होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होता है अच्छा. तो उनको टारगेट करके इस साल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अच्छा तो डॉक्टर शर्मा ये तो थी इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट की बात अब हम बढ़ते हैं डायरिया की ओर तो सबसे पहले डायरिया के तहत पहला प्रश्न यही रहेगा कि ये डायरिया क्या है इसे थोड़ा सा विस्तार में बताइए देखिए डायरिया जो है हम लोग बोलते हैं यूजली इंसान लूज मोशन को डायरिया के तौर पर हम लोग समझ जाते हैं पर एक्चुअली डायरिया यही है कि कभी कभार ऐसे देखिए छह महीने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं जी. उनका नॉर्मल मोशन ही लूज होता है उनके उनका उम्र नहीं होता कि वो फॉर्म स्टूल पैदा कर सके तो फिर तो उनके लिए लूज मोशन वो तो फिर महीने भर सालों भर उनका लूज रहे मोशन रहे चलते रहे रहता जी. है ऐसा तो है नहीं जी. तो डायरिया जो है वो हम लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल स्टूल है हर रोज जो इस तरह का मोशन बच्चा पास करता है उससे थोड़ा हटके अच्छा। उसका पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा बच्चा अगर हर रोज टाइट मोशन करता है तो अचानक से एक दिन लूज मोशन करेगा या फिर लूज मोशन करता है तो पानी की तरह मोशन करेगा एक ये है और दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी मतलब जितना बार मोशन करता है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा सोचिए दिन में दो बार करता था अभी छह बार सात बार दस बार कर रहा है तो वो है डायरिया चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन कंसिस्टेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है मतलब जो स्टूल जैसा दिखता है वो भी बदलेगा और स्टूल कितनी बार करता है वो भी बदलेगा अच्छा, तो इसको हम लोग डायरिया बोलते हैं अच्छा अगर उसमें डायरिया में यूजुअली खून खु, नहीं आता मोशन में अगर मोशन में खून आने लगे तो उसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं अच्छा, तो दोनों अलग 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 हाँ हाँ डायरिया जी, और डिसेंट्री अलग अलग चीजें हैं तो और डायरिया में भी अलग अलग प्रकार हैं क्या डायरिया में भी अलग अलग प्रकार है डायरिया का अलग अलग प्रकार बोलने से डायरिया का पॉजिटिव एजेंट मतलब जिस वजह से डायरिया होती है वो अलग अलग हो जाता है जैसे हम लोग को पता है बैक्टीरिया एक तरह का जीवाणु है वायरस एक तरह का जीवाणु है फिर प्रोटोज हम लोग जो बोलते हैं कीड़ा कीड़ा एक तरह का जीवाणु है इस वजह से भी डायरिया हो सकता है बैक्टीरियल डायरिया अलग होता है वायरल डायरिया अलग होता प्रोटोजोअल डायरिया अलग होता जी. सब कुछ का मैनेजमेंट अलग अलग होता है बैक्टीरियल का अलग होता है वायरल का अलग होता है प्रोटोजोअल का अलग होता है सबका रीजन भी अलग होता व... कभी कभार देखिए फूड पॉइज़निंग जैसे हम लोग डायरिया है, है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का डायरिया तो होता है सिर्फ डायरिया का वो हम लोग यूजली देखते हैं कि क्या वजह है जिस वजह से डायरिया शुरू हुआ है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो जाता है मतलब वजह को अच्छी तरह से बताना है ताकि सही ट्रीटमेंट दिया जी तो ये जो डायरिया के अंतर्गत किस एज ग्रुप के लोग आते हैं ज्यादातर मैक्सिमम देखिए डायरिया हम सबको होता है हम लोग को भी हुआ है जी, लेकिन डायरिया खतरनाक किसके लिए है वो ज्यादा जरूरी जी, है जी, हम बड़े तो लूज मोशन करते हैं दवाई खाते हैं ओ एस पीते हैं ठीक हो जाते हैं पर मुश्किल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं जी जी हमारे लिए डेंजर इस वही बच्चे हैं जो एक साल के नीचे हैं उनके लिए हम लोग डायरिया बहुत खतरनाक बीमारी बोल के मानते हैं इवन छोटा मोटा डायरिया को भी कभी कभार हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ताकि छोटा बच्चा जो है उनका बदन में पानी का अमाउंट भी कम होता है तो डायरिया के थ्रू पानी का निकल जाने का संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाता है इसीलिए छोटे बच्चे स्पेशली पांच साल के नीचे वाले बच्चों को सबसे ज्यादा ग्राडर में रखा जाता है वही सबसे डेंजरस होते हैं उसमें से भी एक साल के नीचे वाले बच्चे के लिए और डेंजरस है तो वही हम लोग टारगेट ग्रुप मान के चलते हैं अच्छा तो डायरिया को खतरे का संकेत किस हद तक बढ़ जाए तो कहा जा सकता है कि अब खतरे का संकेत है डायरिया का देखिए डायरिया का मेन समस्या ये नहीं है कि बच्चा पचास बार लूज मोशन कर रहा है डायरिया का मेन समस्या ये है कि बदन से लूज मोशन के साथ पानी निकल के जा रहा है पानी सिर्फ नहीं पानी के साथ बदन बॉडी का जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स uh, है जैसे कि सोडियम पोटाशियम ये सब भी डायरिया के साथ निकल के जा रहा है सिर्फ तो पानी निकलेगा नहीं उसके साथ हमारे बॉडी का सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो हमारे बदन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो भी निकल के जाता है डायरिया के साथ तो जो बात हम लोग बोलते हैं बदन में पानी की कमी होना ये है डेंजर साइन पानी की कमी अगर हो जाता है तो बच्चा खराब होता है तो यही हम लोग साइन मानते हैं अब हम लोग कैसे समझेंगे कि बच्चा के बदन में पानी का कमी हो रहा है या नहीं देखिए हम लोग सबसे डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन स्टेटस जो हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं पानी का सही मात्रा बदन में है या नहीं ये पता करने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीजें देखते हैं जो डॉक्टर लोग भी देखते हैं और आसानी से अभिभावक भी जान पाते हैं जी एक तो है पेशाब की मात्रा कितना अमाउंट तक यूरिन पास कर रहा है बच्चा अगर बच्चा नॉर्मली जितना यूरिन करता है उतना ही यूरिन किए जा रहा है तो मतलब यूरिन इज एन इंडिकेटर कि बच्चे के बदन में पानी सही है बच्चा के बदन में अगर पानी नहीं होगा यूरिन अपने आप कम हो जाएगा जी, क्योंकि यूरिन करने के लिए भी पानी होना जरूरी, जरूरी है यूरिन में, में पार, 99 तो पानी, पानी होता है। जी, जी, तो बदन में पानी नहीं होएगा तो यूरिन नहीं हो पाएगा तो यूरिन का अमाउंट कितना है वो जानना जरूरी है एक चीज वो तो मम्मी पापा भी देख सकते हैं कि हाँ कल मेरा बच्चा सात बार पेशाब करा था आज एक बार भी नहीं करा वो देख सकते हैं ये एक चीज है दूसरा है जीप जीप हमेशा भीगा रहना चाहिए अगर जीप सूखा है तो पानी की कमी, कमी है अच्छा फिर देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं आ, जैसे इन्फेंट्स, दे वो लोग रोते रहते हैं तो रोते वक्त अगर बदन में पानी की कमी हो तो रोते वक्त आंसू नहीं निकलेंगे अच्छा तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि बदन में पानी की कमी है, कमी है। फिर हम लोग कभी कभार क्या करते हैं जो हम लोग का त्वचा होता है उसको खींच के देखते हैं मेरा त्वचा आप खींचोगे छोड़ोगे साथ साथ वो नीचे चला जाएगा लेकिन जिनके बदल में पानी की कमी होगी उनका त्वचा को आप खींचोगे तो उसको वापस जाने में बहुत समय लगेगा तो ये जो चीज है स्किन पिंच टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको स्किन को पिंच करके देखना है कि वो कितने देर में समान हो जाता है तो वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है तो डॉक्टर शर्माता इस जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं जी हेलो हेलो अच्छा शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ तो एक और चीज ये है कि आ, वो हो गया इसके अलावा बच्चे का मेंटल कंडीशन पानी ब्रेन में भी ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट पानी ही होता है तो अगर पानी की कमी हो वो ब्रेन पे भी असर करेगा तो बच्चा नॉर्मल सेल्फ नहीं रहेगा प्लेफुल नहीं रहेगा बच्चा खेलता हुआ नहीं मिलेगा हम लोग को बदन में पानी की कमी से कभी कभार सबसे पहले तो बच्चा इरिटेबल रहेगा कि अच्छा। बहुत ही रोता है छोटा मोटा बात में भी रोता है रोए जा रहा है पूरा दिन दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी वो भी एक चीज है और जब पानी की मात्रा इतना कम हो गया है कि इरिटेबिलिटी की रेंज से भी बाहर चला गया तब बच्चा सुस्त हो जाएगा एकदम खेलेगा नहीं सोए रहेगा उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट मतलब बच्चा सो रहा है तो उसको बोलते हैं, पानी की एक और चीज हम लोग देखते हैं बच्चा कितना पानी पीना चाहता है अगर बच्चा को नॉर्मल सिचुएशन में आप देखेंगे बच्चे लोग पानी यूजुअली नहीं पीना चाहते उनको पानी दो उनको बहुत बहला फुसला के पानी पिलाना पड़ता है तो अगर बच्चा देख रहे हैं कि पानी के लिए तड़प रहा है पानी देने से ही बहुत ज्यादा करके पी ले रहा है तो वो हम लोग बोलते हैं तो ड्रिंक। वो अगर बढ़ जाता है तो सोचिए कि पानी की मात्रा बदन में कम है अच्छा। और अगर ऐसा परिस्थिति आ गया कि बच्चा पूरा सुस्त हो गया तब तो वो पानी देने से भी नहीं पी पाएगा तो अच्छा। वो एक एक्सट्रीम फेज है वो सीवियर डिहाइड्रेशन ठीक है थीके? तो ये सब चीजें जो है वो पेरेंट्स को ही समझना पड़ता है फिर हमारा स्किन जो है वो ड्राई भी हो जाता है सूख जाता है मतलब धूप में खड़ा करने से भी पसीना नहीं निकलेगा क्योंकि पसीना भी एक तरह का पानी, पानी ही, ही है, है। तो बदन में पानी नहीं होगा तो पसीना भी नहीं होगा तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीजों से पेरेंट्स लोग घर पे आसानी से समझ पाते हैं कि बच्चे के बदन में पानी है कि नहीं है बस इन चीजों को ध्यान में रखना है जीप में पानी दिखे स्किन आपने जैसा की कहा हाँ, पसीना, नहीं पसीना नहीं आना बच्चा रो सुस्त रो है तो रोना जी नहीं। ये मतलब माता पिता की जिम्मेदारी है की आप ध्यान दे और डॉक्टर की सलाह समय पर ले ले जी जी तो डॉक्टर शर्माता अब कुपोषित बच्चों की बात हम करेंगे हम ये सुनते हैं कि कुपोषित बच्चे ज्यादातर डायरिया के शिकार होते हैं यहाँ तक कि उनकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है तो ऐसा क्यों है ये जानना चाहेंगे देखिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि कुपोषित बच्चा मतलब उसको कभी भी सही से पोषण नहीं सही मिला जी। सही से पोषण नहीं मिलने का मतलब है कि बॉडी का जो हर ऑर्गन मतलब कोई भी ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएगा वो ब्रेन बोलिए वो किडनी बोलिए वो लिवर बोलिए सब ऑर्गन सफर करता है कुपोषित बच्चों का हम लोग को देख दिखता है कि बच्चे का गाल अंदर चला गया है या हाथ पैर सिकुड़ गए हैं छोटा छोटा हो रहा है वो बढ़ नहीं रहा लेकिन अंदर में जो अंदरूनी समस्याएं हो रही है वो हम लोगों ऊपर से दिखता नहीं है तो क्या होता है अंदरूनी समस्या के बीच में ये समझ में आता है कि बच्चे का बच्चे का बदन का जो प्रतिरोध क्षमता होती है इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है तो छोटा मोटा इन्फेक्शन जो कि हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए कोई भी मायने नहीं रखता वो उनके बदन में बड़े मात्रा का आकार ले लेता है और क्योंकि वो कुपोषित हैं ऐसे ही उनके बदन का पानी ऑलरेडी पहले से ही कम है ऊपर से डायरिया होने की वजह से उनका बदन का पानी और भी कम हो जाता है पहले से उनके बदन में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस पहले से ही रहता है क्योंकि उनका पोषण सही से नहीं मिलता ऊपर से डायरिया से सोडियम पोटासम निकलने से उनका हालत और भी बुरा हो जाता है जी. और पोषण की वजह से हमारा बॉडी का जो फर्स्ट डिफेंस हम लोग बोलते हैं पहला प्रतिशोध होता है स्किन और अंदर का जो मुंह के अंदर का एपिथेलियल है मतलब लेयर ऊपर का लेयर अभी पोषण की वजह से वो ऊपर का लेयर बिल्कुल ही खराब हो जाता है क्योंकि ऊपर का लेयर खराब हो जाता है बदन का जो इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता होता है वो भी बिल्कुल खराब हो जाता जी. है इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे का छोटा चीज बहुत बड़ा आकार ले लेता है और ऐसे भी हम लोग देखते हैं क्योंकि पहले से ही बच्चे के बदन में प्रोटीन की कमी है कार्बोहाइड्रेट की कमी है इस वजह से बच्चा फूल जाता है फूलने की वजह से क्या होता है बच्चा अगर डिहाइड्रेट है भी तो मम्मी पापा को समझ में नहीं आता कि बच्चा डिहाइड्रेट है तो वो हमारे पास पहुंचते ही है बहुत लेट स्टेज में जी। तब उनका डिहाइड्रेशन इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है डिहाइड्रेशन का लास्ट स्टेज होता है जो हम लोग बोलते हैं शॉक जब बदन में पानी का इतना कमी हो जाता है कि खून एकदम सिकुड़ जाता है खून पूरा ड्राई हो जाता है आप लोग देखेंगे कि हम लोग जब सीवियर डिहाइड्रेटेड बच्चे अस्पताल में आते हैं तब हम लोग उनका खून नहीं निकाल पाते क्यों क्योंकि उनका जो ब्लड वेसल है उनका जो शिराय होती है वो एकदम कोलाप्स हो जाती है कोलाप्स होने की वजह से अंदर में नीडल घुसने से भी वो खून निकल के नहीं आता खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि एक नीडल से बाहर नहीं आ पाता जली जैसा बन जाता है तो ऐसे होने से जो हमारा जो हार्ट है उसका पंपिंग क्षमता भी कम हो जाती है तो हार्ट क्योंकि पंप नहीं कर पाता तो बदन का हर ऑर्गन हर पार्ट में खून नहीं पहुंचता इस वजह से हम लोग बोलते हैं शॉक स्टेट मतलब बदन शॉक के सिचुएशन में है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है और सारा फंक्शन अब नॉर्मल हो जाता है तो मेजोरिटी पेशेंट्स हम लोग को वो शॉक स्टेज में मिलता है अगर वो कुपोषित हो तो तो उस हालत से निकाल पाना और सही मात्रा का डिहाइड्रेशन दे पाना बहुत मुश्किल हो, डिहाइड्रेशन दे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए कुपोषित बच्चों का मतलब डेथ रेट इतना ज्यादा होता है क्योंकि वो हमारे पास पहुंचते ही है बहुत लेट से जी जी तो डॉक्टर शर्माता बात कुपोषित बच्चों की हो रही है कुपोषण की हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो इसके लिए किस तरह के फूडिंग उन्हें दिया जाए ये बताएं देखिए कुपोषण दो तरह का होता है जी। एक है मतलब बेसिक है कि ये इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन मैल का शब्द शब, मैल शब्द का मतलब है कि कुपोषण मैंने इट इज नॉट राइट सही मात्रा का न्यूट्रिशन नहीं, नहीं दिया गया है अब सही मात्रा का न्यूट्रिशन नहीं देना मतलब गलत मात्रा में न्यूट्रिशन देना अब ज्यादा न्यूट्रिशन भी गलत है कम न्यूट्रिशन भी गलत है जी। तो बच्चे को सही अमाउंट देना जरूरी है सोचिए कि एक वो हम लोग कैसे समझते हैं बच्चे का वेट देख के हाइट देख के ग्रोथ देख के हम लोग समझ पाते एक दस साल का बच्चा अगर आपके पास पंद्रह किलो वेट लेके आए वो भी कुपोषण है और अगर एक दस साल का बच्चा आपके पास साठ किलो वेट लेके आए तो भी कुपोषण है अच्छा तो ओबिसिटी भी कुपोषण है अभी हमारे लिए समझना जरूरी है कि उसको एग्जैक्टली exactly खिलाना क्या है कितना अमाउंट में खिलाना है ताकि बच्चे का वजन सही रहे एक तो छह महीने उम्र तक मम्मी का दूध के अलावा कोई और दूध नहीं देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुपोषण प्रिवेंट करने के लिए छ महीने के बाद दूसरा बाहर का खाना धीरे धीरे शुरू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सात महीना हो गया दस महीना हो गया फिर भी मम्मी का दूध ही पिलाए जा रहे हैं लेकिन माँ का दूध सिर्फ छह महीने तक ही बच्चे को पोषण दे सकता है उसके बाद माँ का दूध सफिशियंट नहीं होता जी. तो अगर हम लोग सिर्फ माँ का दूध देते रहेंगे छह महीने के बाद तो बच्चा कुपोषण की तरफ जाएगा अच्छा ऊपर से क्या होता है कभी कभार ऐसे होता है कि मा, माँ मेजोरिटी को ये लगता है की मेरा दूध सफिशियंट नहीं हो रहा तो वो लोग क्या करते हैं बाहर से डब्बे का दूध या जिसको हम लोग टॉप फीड बोलते हैं बाहर से दूध देना शुरू कर देते हैं स्पेशली वो भी वो लोग बॉटल में डाल के पिलाना शुरू करते हैं जी तो बॉटल का क्या प्रॉब्लम होता है एक तो बाहर का दूध मीठा होता है माँ का दूध में मीठा नहीं होता तो बच्चे को टेस्ट लगता है तो वो और ज्यादा ज्यादा दूध पी लेता है ठीक है इधर ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दूध पी के वो ओबीज बच्चा बन जाएगा या फिर क्या होता है सही मात्रा का मतलब एक उसका बाहर का दूध बनाने का भी एक सही तरीका होता है इतना पानी में इतना दूध मिला के ही पिलाना है वो मात्रा मैक्सिमम uh, पेरेंट्स को पता नहीं होता तो वो गलत डाइल्यूशन में दूध पिलाते हैं गलत डाइल्यूशन पिलाना मतलब पतला पिला देते हैं या गाढ़ा पिला देते हैं अगर आप पतला दूध पिलाएंगे तो कोई पोषण बच्चे को मिलेगा नहीं और डायरिया होने का संभावना और ज्यादा हो जाएगा और अगर गाढ़ा दूध पिलाते हैं तो गाढ़ा चीज खाने का प्रॉब्लम यह होता है कि बदन में जितना पानी है वो क्या होता है जो दूध आपने दिया वो बदन का रेशियो में ज्यादा गाढ़ा हो गया तो वो दूध जो है बॉडी से खींच लेगा आपका पानी तो उससे भी डायरिया हो सकता है तो वो भी एक माल न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है जी. तो हम लोग बोलते हैं कि टॉप फीड छह महीने से पहले देना ही नहीं है छह महीने के बाद आप जब बाहर का खाना शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे फैसिनेशन है देना है सेरेलाक देना है वो बहुत महंगा भी है और वो सही मात्रा से न्यूट्रिशन देता भी नहीं है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि घर का बना हुआ चीजें दो जैसे खिचड़ी बना के दो गंजी बना के दो खीर बना के दो ये सब ना घर का बना हुआ चीज है इससे पोषण भी अच्छा मिलता जी, है इसमें थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा आलू को बॉईल करके थोड़ा सा घी डाल के या फिर थोड़ा शक्कर डाल के कुछ थोड़ा सा बना के खिलाएंगे तो बच्चा को टेस्ट भी मिलेगा और घी शक्कर से उसका कैलोरी अमाउंट भी बढ़ेगा पोषण भी बेटर होगा धीरे धीरे जब बच्चा द, एक साल की तरफ जाता है तब उसका जितना बार हम लोग बाहर का खाना दे रहे थे उसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ा सकते हैं डेढ़ से दो साल की उम्र से धीरे धीरे अंडा मछली चिकन ये सब धीरे धीरे नॉन वेज फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करना है कि दो बार बच्चा पूरा फैमिली के साथ बैठ के खाएगा तो वो ये भी सीखेगा कि दूसरे मेंबर्स घर के क्या खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है तो फ्रूट वेजिटेबल खाना सीखेगा बच्चा और बाकी तीन चार बार उसके लिए अलग से खाना बना के खिलाओ तीन साल तक ऐसा करना है कि घर के लोग जो खा रहे हैं बच्चा वही खाना शुरू करेगा इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली पॉट मतलब उसको अलग से पर, बना के नहीं खिलाना है परिवार जो खा रहा है वही वो खाएगा इसके लिए परिवार वालों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना ज्यादा मिर्ची नहीं डालना ये सब करके थोड़ा बच्चा खा सके ऐसा बना के जी, खिलाना जी। है इस तरह धीरे धीरे अगर हम लोग देखेंगे और रेगुलरली डॉक्टर के पास जाके अपना वेट हाइट चेक कराते रहना है अगर बच्चा सही से बढ़ रहा है सही से वेट गेन हो रहा है सही से हाइट बढ़ रहा है तो फिर हम लोग सोचेंगे कि पोषण बिल्कुल सही है जी, जी. ये हमारा कॉमन कंप्लेन रहता है कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये बोल के कि बच्चा रेगुलर मोशन पास नहीं करता तो वो भी सब्जी शाक सब्जी अगर हम लोग ज़्यादा खिलाएंगे चावल से ज्यादा रोटी खिलाएंगे ये सब अगर फ्रूट्स वगैरह खिलाएंगे तो देखेंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी बहुत कम होता है तो प्रॉपर डाइट स्पेसिफिक अमाउंट में खिलाना है ऐसा नहीं है कि बच्चा को चावल पसंद है तो पूरा इतना सारा चावल उसको एक साथ दे दिया ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है बार 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 खिलाना है ताकि इसमें पोषण भी बना रहे और बच्चे को एक्टिविटी भी इंकरेज करना है खेल कूद इंकरेज करना है वो अगर खेल कूद रहा है अच्छे से खा रहा है रेगुलर टाइम पे खा रहा है वेट ठीक है हाइट ठीक है तो हम लोग समझ लेंगे कि बच्चे का पोषण सही है अच्छा खाने के साथ साथ पेट भरने के साथ साथ सेहतमंद खाने से पेट भरे तो वो ज्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए बिल्कुण. तो डॉक्टर शमायता ये तो थी कुपोषण से बचने की या अच्छे खाने की बात आपने बताई अब हम अपने विषय पर आते हैं डायरिया तो डायरिया का इलाज अगर घर पे पेरेंट्स को लक्षण दिख रहे हैं अगर वो अपनी तरफ से कुछ शुरुआती तौर पर कुछ करना चाहे तो कैसे करें हाँ शुरुआती तौर पर हम लोग बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया बॉडी में पानी की कमी जी। उसको प्रिवेंट करना है कैसे कर सकते हैं अगर छ महीने से छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते रहना है जी। अगर छह महीने से थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको पानी पिलाना शुरू करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा पानी ओ पानी सबसे जरूरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ओ पानी अगर हम नहीं पिला रहे हैं तो हम लोग डायरिया सही से इलाज नहीं कर रहे हैं अब हम लोग बोलेंगे कि ओ पानी हमारे पास नहीं है हम लोग गाँव का बहुत ही अंदर में एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है रात में डायरिया शुरू हो गया बच्चे को तो सुबह तक लग जाता है कोई स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने में तो ऐसे सिचुएशन में आ, क्या क्या करना है ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग ओ का इक्विवेलेंट मानते हैं मतलब घर के बने हुए चीजें हैं लेकिन ओ के समान है एक है डाब पानी एक है जो बोलते हैं दाल का पानी दाल बना के वो ऊपर वाला पानी, पानी सिर्फ निकाल हैं लेना है। हाँ दाल का पानी दे सकते हैं डाप पानी दे सकते हैं गंजी जो होता है उसको थोड़ा पतला करके पानी के साथ उसमें थोड़ा सा नमक मिला के थोड़ा चीनी मिला के दे सकते हैं ये सब बोलते हैं हम लोग होम अवेलेबल फ्लूड मतलब घर पे बने हुए ही सामान है उसको ही हम लोग ओ आर की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं फिर नमक चीनी का पानी ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं एक ग्लास पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी घोल के थोड़ा 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 करके बच्चे को पिलाते रहना है आपका मेन टारगेट ये है कि बच्चे के बदन में पानी की मात्रा बनी है जी। तो वो थोड़ा 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 करके पिलाते रहिए फिर आपको जब भी पॉसिबल हो जाके आसपास के स्वास्थ्य केंद्र से जाके ओ लेके आइए और जिंक लेके आइए और हमारे पास तो अभी बहुत आंगनवाड़ी वर्कर है बहुत कर्मियाँ हैं वो लोग तो रेगुलर घर पे आके विजिट करते रहते हैं तो वो लोग जब आए तब उनसे दस के बारे में बताइए तो वो लोग ओ आर एस का पैकेट देंगे जिंक देंगे वो बराबर पिलाते रहना है जब तक कि आप लोग को जो डिहाइड्रेशन के साइंस है जो हमने पहले डिस्कस किया वो सब नहीं दिखे अगर आपको डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम दिखना शुरू हो जाए बच्चा सुस्त हो गया है पानी नहीं पी पा रहा है पिशाब होना कम हो गया है या फिर बंद हो गया है ऐसा सिचुएशन आ जाए तो फिर साथ साथ अस्पताल लेके जाना है तब ये नहीं सोचना है कि भाई हम लोग घर में वो आरस पिला के देखते हैं तब बच्चा खराब हो सकता है अच्छा। तो ये आपको पहचानना है ये हर वक्त ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स पहचान ना पाए तो अगर पेरेंट्स पहचान नहीं पाते हैं इस सिचुएशन में काम आते हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी उनको जाके रेगुलरली अगर उनको पता चले कि, कि किसी के घर में दस्त हुआ है वो छोटा बच्चा है तो उसको जाके रेगुलरली विजिट करते रहना है हाइड्रेशन स्टेटस असेस करते रहना उनको पता करते रहना है कि क्या है उनको पता होता है कि कैसे पता करना है कि बदन में कितना पानी की मात्रा है अगर उनको लगता है कि अस्पताल में भर्ती करना है तो साथ ही साथ अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए जी तो डॉक्टर शर्माता आपने कहा कि ओ बहुत महत्व रखता है डायरिया में तो क्या ओ की जगह पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है कितना हद हाँ तक सही प्लेन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक ऐसा ठीक है कि जब हम लोग को डायरिया होता है डायरिया के साथ उल्टी भी होता है इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम तो ओ जो है क्योंकि उसमें कभी कभार एक स्मेल होता है तो ये होता है कि आ, कभी कभार बच्चे ओ आर एस को ले नहीं पाते हैं। जी। इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल वाटर भी बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो एटलीस्ट नॉर्मल वाटर तो पेट में रख पाएगा ओ आर एस से तो वो उल्टी कर दे रहा है लेकिन अगर बच्चे को उल्टी का प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ओ आर एस देने के लिए वाई क्योंकि ओ आर एस में हम लोग मेजर्ड क्वांटिटी से ओ आर एस एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बनाया हुआ एक फॉर्मूला है उसको हम लोग एक वंडर ड्रग बोलते हैं ओ आर एस एक वंडर ड्रग है क्यों क्योंकि जब कॉलेरा की महामारी हुई थी तब ओ आर एस ने लाखों जिंदगी मचाई थी तो ओ आर एस को ओ आर एस की वजह से ही आज जो कॉलेरा हम लोग ऑलमोस्ट नहीं देखते हैं कभी कोई कोई डॉक्टर है अभी अपने जिंदगी में कभी वो लोग कॉलेरा शायद नहीं देखेंगे उसका एकमात्र रीजन यही है कि अभी ओ आर एस है हमारी जिंदगी तो क्यों क्योंकि ओ आर एस में सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज का मात्रा ऐसे बना के दिया गया है कि ताकि हमारे जो इंटेस्टिन है जो कि डायरिया की वजह से अभी बीमार हो गया है ताकि वो वो पानी को बदन के अंदर ले सके ऑब्जॉर्ब कर सके तो अगर हम लोग सिर्फ पानी देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पानी ना जाए शरीर के अंदर वो फिर से लूज मोशन के तौर पे निकल के आ जाए तो अगर ओ देंगे तो उसको बदन में पानी का ऑब्जॉर्ब होने का क्षमता और बढ़ा देता है और उसके साथ सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज की मात्रा जो कम हो जाती है डायरिया की वजह से लूज मोशन के साथ निकल के कम हो जाती है वो भी ओ के जरिए हम लोग वापस दे पाते हैं जी. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओ आर एस इज प्रेफर्ड प्लेन वाटर नहीं देना चाहिए ओ आर एस ही अच्छा, देना चाहिए जैसे दाल का पानी भी हम लोग बोलते हैं दाल जब हम लोग उबालते हैं दाल में से भी सोडियम पोटेशियम बहुत कुछ बाहर निकल के आ जाता है तो उसमें भी नमक आ जाता है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं सिमिलरली डाब पानी जो होता है उसमें भी पहले से ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इस तरीके से ओ पानी मदद करता है इसलिए शायद ओ को जीवन रक्षक घोल जीवन रक्षक बोलते हैं तो दर्शकों हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक ऐसे ही जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद रोजाना आप अपने भोजन में क्या-क्या लेते हैं कुदरत ने हमें भोजन के कई विकल्प दिए हैं पर हमारे लिए क्या आवश्यक है और कितनी मात्रा में क्या आपने कभी सोचा है चलिए जानते हैं क्या आप फाइबर सही मात्रा में लेते हैं जी हां क्योंकि शरीर को बेहतर तौर पर काम करने के लिए पाचन तंत्र का सही होना बेहद जरूरी है फाइबर पचाने की गति में मदद करता है और इसीलिए पाचन शक्ति बढ़ती है। फल तथा फाइबर के स्रोत हैं, जिनसे विटामिन तथा खनिज भी मिलते हैं तो आपके भोजन में तरह तरह के फल और सब्जिया मौजूद है ये बताइए क्या आप प्रोटीन सही मात्रा में लेते हैं जी हाँ क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियों का निर्माण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है ये ही नहीं प्रोटीन शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स एवं दालें, सोया प्रोटीन युक्त आहार है तो आपके भोजन में तरह तरह के दालें, सोया अंडे और ड्राई फ्रूट्स मौजूद है अच्छा ये बताइए क्या आप तेल ज्यादा लेते हैं ना ना क्योंकि फैट्स यानी की वसा हमारी क्रियाशीलता बनाए रखने में सहयोग करते हैं किंतु ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फैट्स में अधिक कैलोरीज होते हैं अधिक मात्रा में फैट्स लेने से अस्वस्थ वजन बढ़ता है और हृदय रोग जैसे अनचाहे बीमारियां होने की संभावना है तो उपयोगी मात्रा में अनेक प्रकार के तेल घी मांस मछली जैसे सेहतमंद चीजें आपके भोजन का हिस्सा है बात हो रही है तो ये भी बताइए क्या आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं ना ना क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं परंतु कम पोषण देते हैं इसीलिए मेरे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सीमित है तो संसाधित भोजन उच्च मात्रा में चीनी होने वाले शीत पेय आदि चीजें आपके आहार में बहुत कम है हाँ हाँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि अच्छी आदतें अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है अपना खाना बुद्धिमता से चुनती हूँ खाने को पूरी तरह चबाती हूँ घर पर अपनी स्वाद अनुसार बेहतर व्यंजन सामग्री से खाना बनाती हूँ उपयुक्त मात्रा में पानी पीती हूँ पाचन क्रिया में सुधार के लिए योगा और व्यायाम भी करती हूँ जल्दी उठती हूँ और जल्दी सोती हूँ सही कहा अच्छी आदतें अच्छा स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है दूरदर्शन के पोरबड़ केंद्र पर दर्शकों इस समय आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक और आज का हमारा विषय है इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्थनाइट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक डॉक्टर शमायता तो ब्रेक से पहले मैम आपने ओ के जो महत्व है उसके गुण के बारे में बताया अब जैसा कि आपने बताया कि जिंक भी बहुत मायने रखता है डायरिया के दौरान तो जिंक के बारे में विस्तार से बताइए जिंक भी एक और ड्रग है जिसको हम लोग ड्रग मानते हैं क्यों क्योंकि जिंक एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई जब डायरिया होता है तब क्या होता है कि बदन में जो सारी ऑर्गन जैसे ऊपर का लेयर हम लोग का शरीर का ऊपर का लेयर फर्स्ट डिफेंस होता है जैसे मैंने बोला तो ऐसे ऊपर का लेयर हमारे बॉडी के अंदर भी होता है इंटेस्टीन का भी ऊपर का एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम ठीक है एपिथेलिय। तो एपिथेलियम जब दस्त होता है तो वो डैमेज हो जाता है तो उसमें हमारे बदन में जो भी हम न्यूट्रियट मुंह से डाल रहे हैं उसको ऑब्जॉर्ब करने का क्षमता नहीं रहता तो इसीलिए जो भी हम लोग खिलाते हैं वही दस्त होके लूज मोशन होके बाहर निकल जाता है जिंक जो है वो ये एपिथेलियम को दोबारा से बनाने में मदद करता है तो ये जिंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वो एपिथेलियम नए से तैयार होता है जिंक एक ऐसी चीज है जो कोश जो होती है हमारी बदर में जो कोश होती है कोश को डिवाइड होने में मदद करती है जी. तो इस तरह से नया एपिथेलियम बनता है तो जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो एपिथेलियम बनाता है जैसे ही वो एपिथेलियम बनाता है धीरे धीरे अंदर से बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो जाता है जैसे हेल्दी एपिथेलियम बनना शुरू होता है जो हम लोग पोषण देते हैं वो धीरे धीरे बच्चा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो अगर हम लोग जिंक नहीं देते हैं ओ के साथ तो ओ जो हम लोग पिलाते हैं वो शायद डैमेज एपिथेलियम की वजह से बाहर निकल के आ जाएगा जिंक साथ साथ देने की वजह से धीरे धीरे एपिथेलियम भी अपने आप सुधर जाएगा तो ओ भी बदन में ऑब्जॉर्ब होगा तो इसीलिए हम मानते हैं कि जिंक भी उतना ही जरूरी है जितना कि ओर है जी तो जो हम ओ जो बच्चे को देते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी हो टाइम कितना हो ये भी बहुत जरूरी है सबसे पहले जरूरी है ओ आर एस बनाए कैसे क्योंकि ओ आर एस एक पैकेट में आती है एक छोटा सा पैकेट है अभी उसको कितने पानी में घोलना है कैसे बनाना है अगर हम लोग गलत तरीके से ओ बनाएंगे तो बच्चे को कोई फायदा नहीं है जी अभी मार्केट में जो है दो तरह की ओ आती है एक 200 सौ में घोलने वाली ओ आती है एक एक लीटर में घोलने वाली ओ आती है तो हम लोग हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक लीटर में घोलने वाला ओ ही खरीदे दो सौ घोलने वाला ओ ना खरीदे क्योंकि 200 ml कितना पानी है ये हमारे लिए पता करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी-कभार बोलते हैं कि एक ग्लास पानी मतलब 200 सौ पानी अभी ये एक साइज का ग्लास है आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट साइज के ग्लास होंगे हर कुछ तो 200 सौ का ग्लास नहीं हो सकता तो इसीलिए ये अगर ग्लास सही मात्रा का पानी हम लोग को पता नहीं चला तो फिर घोलने का मात्रा भी अलग हो जाएगा इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक लीटर वाला ओ आर एस हमेशा खरीदे क्योंकि एक लीटर का हमारे पास बॉटल आता और वो बॉटल हम लोग को पता होता है कि एक लीटर का बॉटल ही है बाजार में एक लीटर का बॉटल का मिनरल वाटर भी मिलते मिलता है तो वो डेफिनेटली एक लीटर का ही बॉटल होता जी, है जी. आ, ऐसे बौ, नॉर्मल बॉटल खरीदने वाले बॉटल भी एक लीटर के आते हैं तो एक लीटर कितना है वो हमारे लिए समझ पाना बहुत आसान होता है तो एक लीटर पानी में एक पैकेट ओ जो है पूरा घोल देना है और ये पानी कैसा पानी होना गर्म पानी नहीं होना ठंडा पानी नहीं होना नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना है जी ये उबला हुआ हो पानी होना है प्रेफरेबली मतलब पीने का पानी होना है पर पूरा डायरेक्ट नल से अगर हम नल का पानी पी रहे हैं तो डायरेक्ट नल से ओ आर नहीं मिला देना जी, है जी, उसको थोड़ा उबाल के ठंडा करके फिर उसमें ओ एस मिलाना है पीने का पानी एक लीटर लेके उसमें एक पैकेट ओ एस पूरा घोल के अच्छे से मिला देना है मिला के उसको 24 घंटा तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आज सुबह आठ बजे बनाया तो कल सुबह आठ बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद उसको फेंक देना है फेंक के दोबारा से नया से वारेज बनाना है कैसे पिलाना है थोड़ा 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 करके छोटे बच्चों को पिलाते रहना है अगर उसके बीच में बच्चे उल्टी कर देंगे डजेंट तो मैटर फिर से पिलाइए पिलाते पिलाते रहना है, पिलाते रहना है, जब तक कि हम लोग को पता नहीं हो कि बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस सही हो गया है अब कैसे पता चलेगा सोचिए बच्चा पहले डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल ही कम पिशाब कर रहा था एक बार या दो बार ही दिन में पिशाब हो रहा था अभी धीरे 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 बढ़ के वो छह सात बार पेशाब करना शुरू कर दिया तो ये होता है पहला मार्कर कि बच्चे का धीरे धीरे डिहाइड्रेशन स्टेटस बढ़ रहा है फिर क्या होगा बच्चा रोने से आंसू आना शुरू हो जाएंगे जीप भीगा लगेगा ये सब चीजें देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का बदन में ओ सही मात्रा से जा रहा है या नहीं तो कैसे बनाना है एक लीटर पानी में एक पैकेट को घोल के उसको थोड़ा 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 करके पिलाते रहना है जैसे ही पीते रहेगा बच्चा उल्टी करने से भी ऐसा नहीं है कि बच्चा उल्टी कर दे ओ और ओ पीने से उल्टी कर रहे ओ आर एस और नहीं देंगे नहीं उल्टी करने से भी बच्चे को ओ देते रहना है आप जैसे ही देते रहेंगे धीरे धीरे वो पानी बॉडी में जाएगा धीरे धीरे उसका हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव होएगा जैसे हम लोग uh, लो है कि ये 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 होने से बच्चे के बदन में पानी कम है वो अगर हम लोग सुधरते हुए देखेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बच्चा सुधार में है जी। ऐसे करके हम लोग को पता करना है कि ओर की मात्रा सही हो रही जी. है तो डायरिया को एक इन्फेक्शन की श्रेणी में रखा जाता है और हम जहाँ तक जानते हैं इसके लिए कोई एंटीबायोटिक भी शायद उपलब्ध नहीं है ये किस हद तक सही है और क्यों ये जानना चाहेंगे डायरिया एक इन्फेक्शन है सही बात है पर मोस्टली हम जैसे पहले डिस्कस करें कि डायरिया बहुत प्रकार के होते हैं जी वायरल हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है प्रोटोजोअल हो सकता है तो मोस्टली छोटे बच्चों में जो डायरिया या बड़े लोगों में भी जो डस्त हम लोग देखते हैं मेजोरिटी का कारण वायरल होता है मेजोरिटी वायरल डायरिया है और वायरल डायरिया में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता हम लोग का सबसे मेन टारगेट है हाइड्रेशन स्टेटस ठीक कर देना जैसे हम लोग को जानते हैं कि वायरल का दूसरा इन्फेक्शन भी होता है जैसे मीजल्स होता है चिकन पॉक्स होता है वायरल नॉर्मल फीवर होता है हम लोग हर दिन बोलते हैं अरे इसको वायरल फीवर हो गया इसको खांसी सर्दी हो गया तो हर किसी के लिए तो हम लोग दवाई भी नहीं देते एंटीबायोटिक भी नहीं देते वायरल बुखार अपने आप ठीक हो जाता है तो वायरल डायरिया भी अपने आप ही ठीक होता है लेकिन हम लोग को उसके लिए वक्त देना है वो वक्त देने के लिए ताकि बच्चे का शरीर में पानी बना रहे ताकि बच्चे के बॉडी में वो प्रतिरोध क्षमता बना रहे ताकि वो वायरल इन्फेक्शन को फाइट कर सके उस हम लोग ओ देते हैं और जिंक देते हैं वो जैसे ही ऊपर का लेयर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा तो वायरस और अंदर घुस नहीं पाएगा इन्फेक्शन और फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा तो इसीलिए ओ और जिंक देकर हम लोग हाइड्रेशन स्टेटस को ठीक कर लेते हैं वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा उसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर जैसे मैंने बोला खून भी आ रहा है लूज मोशन के साथ तो इसको डिसेंट्री बोलते हैं अगर डिसेंट्री है तो हम लोग को पता है कि ये वायरल वजह से नहीं है डिसेंट्री यूजुअली वायरल वजह से नहीं होता यूजुअली बैक्टीरियल या फिर फंगल या फिर प्रोटोजोअल वजह से होता है रीजन से होता है तो उस टाइम पे अगर खून आना शुरू हो जाए तब हम लोग एंटीबायोटिक जरूर देते हैं क्योंकि उसके लिए एंटीबायोटिक जरूरत होता है तो वो में जो ऐसे सेवेंटी टू एटी परसेंट डायरिया जो है वो वायरल रीजन से होता है बोल के हम लोग उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं देते और जी. जो बाद बीस परसेंट हुआ जो बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल वजह से होता है उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं जी तो डॉक्टर आपने लक्षण बताए डायरिया के कैसे माता पिता पहचाने उस लक्षण को और उपचार घर पर कैसे करें आपने बताया अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आ, ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि बच्चों को हमें अब अस्पताल लेके जाना है या उसे हॉस्पिटलाइज करना है ऐसी कैसी स्थिति होती है वो जैसे मैंने पहले बताया अगर शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जैसे सोचिए कि एकदम बच्चा सुस्त हो गया जी. है जीप पूरा सूख गया है रो बच्चा रो ही नहीं पा रहा है अगर रो रहा है तो भी आंसू नहीं आ रहे हैं जैसे मैंने बताया स्किन को पिंच करने से वो अंदर जा ही नहीं रहा बहुत वक्त लगा रहा है बच्चे का पिशाब एकदम बंद हो गया है बच्चा एकदम ही सुस्त है बच्चा हाथ पैर ठंडा हो गया है ऐसे सिचुएशन होने से हम लोग समझेंगे कि बदन में पानी का इतना कमी है कि बच्चा धीरे धीरे शॉक की तरफ जा रहा है अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो हम लोग को साथ ही साथ अस्पताल लेके जाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद और उपचार घर पे नहीं हो सकता तब अस्पताल ले जाके ग्लूकोज चढ़ाना पड़ सकता है बच्चे को तब जाके बदन में मतलब इतना हमारा इंटेस्टिन का जो ऊपर का लेयर है वो इतना अफेक्टेड हो गया है कि पानी और अंदर जाने का क्षमता ही नहीं है उसमें मुंह से पीने से अभी कुछ नहीं होने वाला अभी हम लोग को सलाइन लगा के मतलब वेन वेन लाइन लगा के अभी चढ़ाना पड़ेगा तब जाके उसके बदन में थोड़ा पानी आएगा ऐसा सिचुएशन जब हो जाता है तब उसको अस्पताल ले जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता जी जो डायरा के दौरान जो है दूध देने से मना किया जाता है बच्चों को इसका क्या कारण है देखिए हम लोग मानते हैं कि ये ग्रुप टू ग्रुप वैरी करता है पेशेंट एज ग्रुप के हिसाब से जैसे सोचिए कि छह साल के नीचे वाले बच्चे छह महीने के सॉरी छह महीने के नीचे वाले बच्चे जो छह महीने के नीचे वाले बच्चे वो तो सिर्फ माँ के दूध पे ही जिंदा है अब माँ के दूध पे जो बच्चे जिंदा हैं, उनको दूध मना कर देना मतलब उनका खाना ही बंद कर देना तो ऐसे बच्चों को हम लोग कभी भी दूध मना नहीं करेंगे माँ का दूध देते रहना है उनको तो हम पानी भी नहीं दे सकते तो माँ का दूध ही उनके लिए डिहाइड्रेशन के लिए मदद करेगा क्योंकि माँ का दूध ही उनके लिए पानी है माँ का दूध ही उनके लिए खाना है जी. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग माँ का दूध बंद नहीं कर सकते तो महीने के बच्चे छह महीने से नीचे के बच्चों के लिए हम कभी भी दूध मना नहीं करेंगे छह महीने के ऊपर वाले बच्चों का क्या होता है कि कभी कभार उनका जो है हम लोग बोलते हैं काउस मिल्क एलर्जी मतलब उसके बाद तो हम लोग बाहर का दूध वगैरह भी शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उनको काउज मिल्क से या किसी मिल्क से कभी कभार एलर्जी हो जाती है। <laughs> तो इस वजह से वो दूध हजम नहीं कर पाते ऊपर से दूध हजम करने के लिए भी एक तरह का स्पेशल एंजाइम होता है हमारे शरीर में वो एंजाइम अगर नहीं हो तो मुश्किल हो सकती है जी तब हम लोग बोलते हैं कि दूध मना कर देते हैं तो दूध के अलावा पानी वगैरह उस वक्त पिला सकते हैं लेकिन छः महीने से नीचे वाले बच्चे के लिए नहीं देना जी पानी दे पी लीजिए तो मैम जी ये तो था कि बच्चे जो है जो दूध पीने वाले बच्चे हैं फीडिंग जो करते हैं वो बच्चे की बात हो रही थी अब जो बच्चे क्या है खाना खाते हैं या फिर जैसे कि छः महीने के बाद के बच्चे हो या एक डेढ़ या दो साल के बच्चे हो इनको अगर डायरिया होती है तो इनका खान पान कैसा हो ड्यूरिंग डायरिया कैसा उनका फूडिंग होना चाहिए स्पाइसी फूड हमेशा अवॉइड करते रहना चाहिए क्योंकि वो जो स्पाइसी फूड मतलब क्या मसालेदार खाना जी, आ, फिर मिर्च मसाला वाला खाना वो क्या करता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है तो स्पाइसी फूड हम लोग हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए जी देना जो चाहिए वो है ब्लान डाइट जिसको बोलते हैं हम लोग मतलब खिचड़ी गंजी जो बच्चा आसानी से पचा सके जी क्योंकि पचाने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है पचाने पचाने की क्षमता भी वही ऊपरी लेयर से ही आती है वो अगर डैमेज हो गया हो तो पचाने की क्षमता भी कम होगी इसीलिए हम लोग ब्लैंड डाइट देने के लिए एडवाइस करते हैं दूध थोड़ा अवॉइड करने बोलते हैं फ्रूट जूस अवॉइड करने बोलते हैं फ्रूट जूस भी एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ होती है फ्रूट जूस अगर रहेगा तो पानी निकाल के लेके आएगा तो डायरिया बढ़ने का संभावना होता है तो हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट जूस भी नहीं देना चाहिए जी तो जो है ब्लैंड diet खिचड़ी गंजी खीर दे सकते हैं पर वो उसमें भी दूध होता है तो हम लोग प्रेफर नहीं करते जी. तो सूजी को थोड़ा पानी में घोल के पिला सकते हैं <laughs> ऐसे करके मतलब जिसमें ज़्यादा स्पाइसी ना हो वो खाना देना प्रेफर करेंगे जी तो <laughs> मैम जी सॉरी आप ठीक हो मैम हाँ हाँ जी हाँ तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि फूडिंग के बारे में आपने बताया लक्षण के बारे में आप बता रहे हैं तो ऐसे में मतलब किस तरह के रास्तों पर हम चले अपने बच्चों को लेकर कि उन्हें इस तरह की डायरिया से ना आए हम किस तरह से अपने बच्चों का खान पान रखें उनकी देखभाल कैसे रखें नवजात शिशु हो या छः महीने के बाद का बच्चा हो डेढ़ दो साल का बच्चा हो तो हम ऐसे कौन से रास्तों पर चले ताकि हमारे बच्चों को डायरिया ही ना हो एक तो सबसे पहले है कि नवजात शिशु जो है उनको डायरिया होने का एक मेजर रीज़न होता है कि हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं जो मानते हैं कि पहला दूध जो होता है माँ का जी वो डायन का दूध होता है क्योंकि वो दूसरी तरह दिखता है नॉर्मल दूध की तरह नहीं दिखता तो वो वो दूध फेंक देना प्रेफर करते हैं पर नवजात शिशु के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट दूध होता है उससे बदन में प्रतिरोध क्षमता आती है जी। तो कभी भी कोलेस्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं वो फेंक नहीं देना चाहिए वो हमेशा से बच्चे को मिलना सबसे जरूरी होता है फिर एक और प्रथा है कि दूध देने से पहले मुंह में थोड़ा शहद चटा देना या फिर घूटी दे देना जी, जी। ये बहुत ही खराब चीज होती है ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, भी नहीं करना गलत चाहिए। फैमिया है, गलत प्रैक्टिस है जो कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये चीज माता पिता करते हैं उनके घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके द्वारा कर किया जाता है तो ये किस हद हाँ तक सही है बिल्कुल ही गलत है जी बच्चे के प्रतिरोध क्षमता के लिए हमेशा कभी भी माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जी। और एक चीज जो हम लोग कुछ विटामिन के देते हैं के समय पे वो विटामिन आप दे सकते हैं विटामिन के अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए जी। वो सब ना इन्फेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है वो अगर हम लोग बच्चे को दे रहे हैं मतलब हम लोग बच्चे को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं देना चाहिए तो ये रहा नवजात शिशु की बात जी इसके बाद आता है कि महीने के बाद वाले शिशु हैं उनको देना है ऐसा खाना ताकि वो पचा सके जैसे मैंने बोला खिचड़ी गंजी ये सब देके शुरुआत करनी चाहिए पर ये देनी चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ का दूध पिलाते रहे जी। तो अगर हम लोग ये सब देना शुरू करेंगे धीरे धीरे बच्चे का पोषण भी सही होगा प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ेगा डायरिया होने की संभावनाएं कम होंगी ऊपर से हमेशा जो खाना हम लोग बना रहे हैं उसको ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें गंदी चीज़ें ना गिरे वो बच्चों के पेट में ना जाए ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो फर्श हमेशा साफ रखना चाहिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका आदत होता है ज़मीन से चीज़ें उठाया मुंह में डाला उससे पेट में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये सब भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए फर्श हमेशा साफ रखना चाहिए बच्चे के कपड़े अपना खुद का कपड़ा ये सब हमेशा साफ रखना चाहिए सब कुछ साफ सुथरा रहने से इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है फिर ब... तो और थोड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम लोग बाहर का खाना देना शुरू करते हैं जो. वो हमेशा से ही अवॉइड करना चाहिए ज्यादा स्पाइसी खाना नॉन वेज खाना कभी भी बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए बच्चे जी. को घर का बना हुआ सादा खाना देना ही प्रेफरेबल है वही हम लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए जी. जो भी खाना हम लोग उसको खिला रहे हैं ताकि ऐसे तरीके से साफ सुथरे तरीके से बने हो ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ना रहें ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को एकदम ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते थोड़ा सा भी बाहर लेके नहीं जाते आई आई वॉन्ट आस्क कि बाहर का फुचका वगैरह आप बच्चे को खिला दो ऐसा नहीं लेकिन बाहर ले जाके भी थोड़ा सा घुमाना भी जरूरी होता है ताकि इससे बच्चे प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है अगर हम लोग बच्चे को घर में बंद करके रखेंगे तो उसके प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी, जाएगी। तो उसको बाहर घुमाना भी जरूरी है जितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए खाना उतना इम्पोर्टेंट है हाइजीन उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हाथ धोना बच्चे का खुद का हाथ धोना भी बहुत जरूरी होता जी, जी. है जब बच्चे दो तीन साल का हो जाता है तो मोशन वगैरह खुद से करने लगते हैं खाना भी खुद से खाने लगते हैं उस वक्त हाथ धोना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का आदत होता है लिया खाना अरे मन किया उठा के खा लिया ऐसा कभी नहीं करना चाहिए उनको आदत दिलवाना चाहिए ताकि वो हमेशा हैंड वॉश करें साफ सुथरा तरीके से रहें साफ सुथरा खाना खाएं जी. ये ऐसे अगर हम लोग बच्चे को लेके चले चलेंगे और बच्चों को सही पोषण सही टाइम पे देते रहेंगे तो डायरिया हम लोग हमेशा प्रिवेंट कर पाएंगे जी ये तो थी परिवार वालों की भूमिका <coughs> अब बच्चे स्कूल जाएंगे बच्चों का दूसरा घर हम स्कूल को कह सकते हैं तो स्कूल वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए स्कूल में भी देखिए बच्चे मेजॉरिटी टाइम स्कूल में बिताते हैं सुबह का टाइम जी ऐसे भी कुछ-कुछ स्कूल्स हैं जिनका रटा... टाइमिंग भी बहुत लंबा चलता है सुबह को साढ़े आठ बजे लौटे तो उनका पूरा दिन ही उधर बीत जाता है कभी कभार दिन में दो से तीन टिफिन टाइम्स भी होते हैं तो जी, वो जी. टिफिन टाइमिंग में वो स्कूल में ही खाना खाते हैं अभी हमारे मिड डे मील के तहत तो स्कूल में खाना परोसा भी जाता है उनको जी. तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है कि स्कूल में खाना परोसा जाए तो स्कूल को भी ध्यान रखना है कि खाना बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से परोसा जाए और उनको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं एक दूसरे का जूठा ना खाएं ये सब अगर हम लोग उनको स्कूल से ही सिखाते रहेंगे तो हाइजीन भी बढ़िया बड़, बड़, बना रहेगा डायरिया भी प्रिवेंट हो सकता है तो स्कूल्स इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं अगर ऐसा हो कि मिड डे मील के टाइम पे सब बच्चों को लाइन लगा के हाथ धोने की तरीका हाथ धोने का स्पेसिफिक कुछ विधियां होती है कैसे हाथ धोना है वो अगर हम लोग स्कूल के वॉश बेसिन के ऊपर फोटो लगा के चिपका दे तो बच्चे देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि हाथ भी कैसे धोना है तो इस तरह से स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं तो डॉक्टर शमायता कार्यक्रम का वक्त हो चला है हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को संदेश के तौर पर और डायरिया के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा देखिए डायरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसको हम लोग बहुत कम आंखते हैं सोचते हैं कि डायरिया है ठीक हो जाएगा लेकिन ये डायरिया एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर सकता है कुपोषित बच्चों के लिए तो बहुत ही भयंकर रूप धारण कर सकता है इसीलिए हम लोग को कोशिश करते रहना है कि कम से कम डायरिया हो ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रहे हम हाइजीन मेंटेन करें बच्चों को साफ सुथरा खाना दें सही मात्रा से खिलाएं ताकि उनका पोषण बना रहे डायरिया होने से जल्द से उनका खराब लक्षणों को पहचाने और जल्द से जल्द हो सके तो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं सही मात्रा में ओ आर एस पिलाएं ताकि हम लोग ये जो गोल है जीरो डायरिया डेथ इसके तरफ आगे बढ़ सके सबसे ज़्यादा जरूरी है स्कूल्स को भी अच्छे से सिखाना चाहिए कि भात कैसे धोते हैं हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं और पेरेंट्स अभिभावकों को भी इसमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम लोग साफ सुथरा खाना खिलाएंगे बच्चों को साफ सुथरा रखेंगे हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग डायरिया को प्रिवेंट कर पाएंगे जी तो डॉक्टर शमायता आप हमारे कार्यक्रम में आए और डायरिया के संदर्भ में हमारे दर्शकों को हम सबको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों ये थी डायरिया के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें आशा है कि आप इन जानकारियों को ध्यान में रखेंगे अपने बच्चों को ध्यान देंगे इनके जो अगर आपके बच्चे डायरिया के से ग्रसित होते हैं तो लक्षण को समय पर पहचानेंगे और समय पर आप डॉक्टर की सलाह लेंगे क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है तो और अब हम चलते चलते आपको ये बता दें कि दूरदर्शन केंद्र पोर्टल ही कार्यक्रम अब आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है एच डी डी के अंडर स्कोर हमारा फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ए आई आर रोड दिलानीपुर हैडो पोस्ट सेवन फोर फोर वन ज़ीरो टू इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है एच ओ पी डीडी के ब्लेयर एट जी मेल डॉट कॉम तो दर्शकों अगले अंक अग में फिर आपसे होगी मुलाकात तब तक आप सभी रखें अपना ख्याल नमस्कार